तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और पी इज अ वेक्टर, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू वी वेक्टर. तो पी वेक्टर या मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. और मोशन किसे बोलते हैं? या तो मास ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा हो या दोनों ज्यादा हो, तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा. ठीक. नेक्स्ट है इंपल्स. इंपल्स क्या चीज है? इट इज द मेजर ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स. इंपैक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. मोमेंटम को, इस इंपल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू टाइम. तो इंपैक्ट किसे बोलते हैं? कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई, फोर्स ज्यादा लगाई तो भी इंपैक्ट ज्यादा, फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगाई तो भी इंपैक्ट ज्यादा. भाई फोर्स लग रही है लेकिन आपने 3 सेकंड की जगह 5 सेकंड पे फोर्स लगा दी, टाइम बढ़ा दिया, तो इंपैक्ट उसका ज्यादा ही आएगा. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन क्या है? इंपल्स. एंड क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इंपल्स वेक्टर इज फोर्स इनटू टाइम. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी होगी.